नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के शेड्यूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वलेट कन्फिग और सर्वलेट कंटेक्स्ट के बारे में। देखिए, सर्वलेट कन्फिग और सर्वलेट कंटेक्स्ट दोनों के इंटरफेसेस हैं जो कि सर्वलेट से रिलेटेड हैं। सर्वलेट कन्फिग और सर्वलेट कंटेक्स्ट बोथ आर एन इंटरफेसेस एंड हुज इंप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडिंग बाई डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस इंटरफेसेस की जो इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं वो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यही होगा। इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास अपाचे टॉमकैट, ग्लासफिश, जेबॉस, जो अलग अलग सर्वर हैं उन सारे सर्वर्स के अंदर इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस अलग अलग होती हैं। और एक एप्लीकेशन के लिए, पूरी होल एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कंटेक्स्ट हमेशा एक क्रिएट होता है। लेकिन वहीं पर हम सर्वलेट कन्फिग की बात करें तो हर सर्वलेट के लिए अलग अलग क्रिएट होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, वन सर्वलेट कन्फिग पर सर्वलेट एंड वन सर्वलेट कंटेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। सो आप ऐसा बोल सकते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कन्फिग सॉरी कंटेक्स्ट इज ओनली वंस फॉर होल वेब एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर अ वेब एप्लीकेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कन्फिग इज सेपरेट फॉर ईच सर्वलेट क्रिएटेड बाय अ वेब कंटेनर एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट। तो सर्वलेट को क्रिएट, जैसे सपोज करो कि आपने एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करा, जैसे कोई वेब एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करते हो तो डिप्लॉयमेंट टाइम पे सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। आपने कहा सर क्यों क्रिएट हो जाता है, जरूरत क्या है, पर्पस क्या है? एक और यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जैसे सर्वलेट का ऑब्जेक्ट बनता है हर सर्वलेट के लिए सर्वलेट कन्फिग बन जाता है, तो फिर क्वेश्चन है उसकी भी क्या जरूरत होती है? क्या दोनों अलग अलग टॉपिक है, सेम टॉपिक है? नहीं जी, दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों का अलग अलग पर्पस है। देखिए, थ्योरेटिकल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके समझा देता हूँ, फिर इसको और थ्योरेटिकली आपको अच्छे से समझाता हूँ। आइए यहाँ पे हम अपने इक्लिप्स में चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फाइल में जाके हम न्यू में जाके यहाँ से क्रिएट करेंगे एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अदर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एक डायनेमिक प्रोजेक्ट बना लेंगे। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्फिग एंड कॉन्टेक्स्ट। देखिए, प्रोजेक्ट का जो वर्जन हम यहाँ पे लेंगे, सर्वलेट 2 नहीं लेके चलेंगे, सर्वलेट 3 नहीं लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, क्योंकि 3 में बहुत सारे चेंजेस हैं और 2 में भी सबसे लास्ट वाला सर्वलेट 2.5 लेके चलेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। हमारी एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट होके आ जाएगी। अब इस वेब एप्लीकेशन के अंदर, इस वेब एप्लीकेशन को अगर आप सर्वर के अंदर डिप्लॉय करते हो, क्योंकि एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते ही यहाँ से एफ कर देते हैं, इस एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करते ही सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन को सर्वर में डिप्लॉय करते हैं। लेकिन फिर ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास इस वेब एप्लीकेशन में कोई एचटीएमएल है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई एचटीएमएल नहीं है, कोई सर्वलेट है, कोई सर्वलेट नहीं है। तो फिर इसके लिए एक एचटीएमएल है सर्वलेट क्रिएट कर लेना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, अभी हमारे पास इसके वेब डॉट एक्सएमएल में कोई एंट्रीज नहीं है, किसी सर्वलेट की कोई एंट्रीज नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्रीज नहीं है। यहाँ एसआरसी में जाएंगे और एसआरसी पे राइट क्लिक करके एक सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं, एक से ज्यादा सर्वलेट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए इस एप्लीकेशन में मैंने 50 सर्वलेट क्रिएट कर लिया, तो जो कंटेक्स्ट होता है सर्वलेट कंटेक्स्ट, वो पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन होता है, एक होता है। जैसे हम यहाँ पे सर्वलेट में जाएंगे और यहाँ से सपोज करिए हमने पैकेज का नाम दे दिया P1 एंड यहाँ से क्लास क्रिएट कर लिया जिसका नाम दे दिया हमने फर्स्ट और इसका पेरेंट है HTTP सर्वलेट। यहाँ चल के इसे नेस्ट करके एंड फिनिश कर देंगे तो हमारी एक सर्वलेट बन गई और उस सर्वलेट की जो एंट्री है, उस सर्वलेट की एंट्री यहाँ पे आपकी web.xml के अंदर आ गई है। web.xml के अंदर इसकी एंट्री पहुँच गई है, इस सर्वलेट की एंट्री आ गई है। जिस तरह से मैंने एक सर्वलेट बनाया, ऐसे और भी हम सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज करिए मुझे दूसरी सर्वलेट क्रिएट करनी है, तो दूसरी सर्वलेट भी ऐसे ही क्रिएट कर लेंगे। आप SRC इसी पैकेज पे राइट क्लिक कर दीजिए और न्यू करके यहाँ से एक नेक्स्ट सर्वलेट भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से ले लिया हमने नेक्स्ट नाम का सर्वलेट और यहाँ से नेक्स्ट करके, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं किया कि जब आप सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन के टाइम पे एक और काम कर सकते हैं जो कि मैंने फर्स्ट सर्वलेट के केस में नहीं किया, वो है आपका इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप चाहें तो किसी भी सर्वलेट के इनिशियलाइजेशन पैरामीटर का नाम और उसकी वैल्यू ऐड कर सकते हो। से हमने नाम यहाँ पे लिख दिया ABCD और वैल्यू दे दिया सूर्या, या सपोज करिए मैंने दे दिया एंड्रो जावा
एंड टेक फॉर यू, ये मैंने वैल्यू दे दिया, ओके कर दिया। इसे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर बोलते हैं। आपने कहा सर ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर का क्या कंसेप्ट होता है, अभी मैं आपको इसे आगे डिस्कस करूंगा। जैसे मैं फिनिश करूंगा तो एक चीज देखिए, एक सर्वलेट हमने क्रिएट किया जिसमें कोई इनिशियलाइजेशन पैरामीटर नहीं दिया, एक में दिया, तो देखिए कुछ चेंजेस हुए या नहीं। बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन में कुछ चेंज हुआ है। आप अगर देखिए तो पहली सर्वलेट की जो फर्स्ट सर्वलेट है, उस फर्स्ट सर्वलेट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट का नाम है और उसकी करेस्पॉन्डिंग उसका क्लास है एंड उसका यूआरएल पैटर्न है। बट जब नेक्स्ट सर्वलेट में जाएंगे तो नेक्स्ट सर्वलेट के अंदर एक एक्स्ट्रा हमारे पास टैग आ चुका है, इनिट परम परम नेम परम वैल्यू करके। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। ये जो इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है ये फर्स्ट सर्वलेट सॉरी नेक्स्ट सर्वलेट के साथ है, फर्स्ट सर्वलेट के साथ नहीं। आप ऐसा कर सकते हो कि किसी में रखो या ना रखो, आपकी इच्छा है। आप हर सर्वलेट के अंदर ऐसे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्यों रखें, जरूरत क्या है, वो भी जानेंगे हम। अच्छा, अगर आप चाहें तो कोई इनिशियलाइजेशन पैरामीटर पूरी एप्लीकेशन के लिए एक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वेलकम फाइल लिस्ट में यहाँ पे एक टैग होता है कॉन्टेक्स्ट परम, और यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे परम नेम सपोज करो मैंने अगेन यहाँ पे दे दिया एक्स वाई जेड, और फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने परम वैल्यू, और वैल्यू में यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज करो यूट्यूब। ठीक है, देखिए हुआ क्या, यहां से YouTube लिखेंगे। ठीक है, देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि हमने यहां पे एक कंटेक्स्ट परम परम नेम परम वैल्यू ले लिया, जो कि पूरे होल प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है, जो कि वेब ऐप टैग के अंदर है। और दूसरा एक चीज हमने क्या किया, एक पैरामीटर हमने लिया हुआ है जो कि एक सर्वलेट के लिए लिया हुआ है। ये जो सर्वलेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, जो कि ये पैरामीटर है जिसमें पैरामीटर का नेम है उसकी वैल्यू है, या नेम में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, नेम में ड्राइवर का नाम, उसकी वैल्यू, या कोई इमेज, या कोई यूआरएल, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, जो एक सर्वलेट के लिए है और ये पूरी एप्लीकेशन के लिए कॉमन है। क्वेश्चन ये है कि ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर के इन डेटा को कैसे रीड करा जाए, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रीड करने के लिए जो कंसेप्ट हमें सर्वलेट में दिया गया है, उसी कंसेप्ट का नाम है सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, बट उनमें से एक यूज ये है, यू कैन रीड द कॉन्फिगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। ये वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर कुछ इनिशियलाइजेशन पैरामीटर देते हुए, कुछ कॉन्टेक्स्ट परम टैग के अंदर परम नेम परम वैल्यू करके जो आपने ऊपर यहां लिखा हुआ है, ये पैरामीटर की वैल्यूज को रीड कैसे करा जाए, इसको रीड करने के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट होता है। क्योंकि देखिए ये कॉन्टेक्स्ट लेवल पे है, ये पूरी एप्लीकेशन लेवल पे है, तो कॉन्टेक्स्ट परम जो हमारा टैग है, इस टैग की इंफॉर्मेशन को रीड कौन करता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो एक फायदा है। दूसरा फायदा सर्वलेट कॉन्फिग, तो सर्वलेट कॉन्फिग सर्वलेट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर को रीड कराता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन स्पेसिफिक पैरामीटर जो कि हमारे वेब डॉट एग्जाम्पल में मैप्ड है उसको रीड कर सकता है, और सर्वलेट जो है किसी एक सर्वलेट इनिट परम के थ्रू सर्वलेट कॉन्फिग किसी एक सर्वलेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को वेब डॉट एग्जाम्पल से रीड करा सकता है। तो ओवरऑल अगर कंसेप्ट समझे तो ये बेसिकली सबसे बड़ा पर्पस है। और इनको रीड कैसे करें और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट कैसे आए, ये भी तो क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट जो है ये दोनों के दोनों इंटरफेसेस हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए फैक्ट्री मेथड दिए गए, उन फैक्ट्री मेथड को यूज करके इनकी इंफॉर्मेशन हम रीड करा सकते हैं। देखिए ये एक सिंगल यूज है, बट अगर हम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की यूज की बात करें तो बहुत सारे यूजेस हैं। मान लीजिए ये एप्लीकेशन एक है, दूसरी एप्लीकेशन यहाँ एंड्रॉइड जावा टेक फॉर यू है, तो ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहती है, बात करना चाहती है, इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो कॉन्फिग से नहीं कॉन्टेक्स्ट से करेगी। सिंपल सा मतलब है, आपकी सर्वलेट का ऑब्जेक्ट आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट हो चुका है, बट सम टाइम आपके सर्वलेट के ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी यूज करना है,
उसका एक काइंड ऑफ आप समझ लो कि एक निक नेम उसका यूज करना है, तो उस निक नेम का नाम है कुछ और नहीं है, वो है सर्वलेट कन्फिग। सर्वलेट कन्फिग इज अल्टरनेट ऑफ योर सर्वलेट, मतलब सर्वलेट का ऑब्जेक्ट अलग होता है, सर्वलेट कन्फिग का ऑब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ सर्वलेट होंगे, जैसे दो सर्वलेट हैं तो कन्फिग होगा दो, फर्स्ट के लिए अलग सेकंड के लिए अलग, लेकिन कंटेक्स्ट जो होगा पूरी एप्लीकेशन के लिए होगा सिंगल यूनिक। तो अगर आपको कंटेक्स्ट स्पेसिफिक चीजें यहां से रीड करानी है तो सर्वलेट कंटेक्स्ट के थ्रू करेंगे। अगर आपको पूरी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करानी है, कोई डायनेमिक डेटा सेट गेट रिमूव कराना है डायनेमिकली पूरी एप्लीकेशन के लिए, कोई ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट चाहिए जो डेटा को शेयर शेयर करा सके, तो सर्वलेट कंटेक्स्ट। बट कोई सर्वलेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको शेयर कराना है तो सर्वलेट कन्फिग। तो देखिए यही सारी चीजें यहां पे हैं, तो यहां पे ये बताया गया है कि ये दोनों इंटरफेसेस हैं, बाकी यूजेस क्या हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो वन सर्वलेट कन्फिग पर सर्वलेट एंड वन सर्वलेट कंटेक्स्ट पर वेब एप्लीकेशन। तो यहां पे बात आ जाती है कि वाई सर्वलेट कंटेक्स्ट। देखिए अगर हम सर्वलेट कंटेक्स्ट की बात करें तो सर्वलेट कंटेक्स्ट से कई काम कराए जा सकते हैं। सर्वलेट कंटेक्स्ट जो होता है ये एक इंटरफेस होता है जो कि एक हमारी एप्लीकेशन यानी कि सर्वलेट की एप्लीकेशन यानी कि आप बोल सकते हो सर्वलेट और कंटेनर के बीच में एक इंटरफेसिंग का काम करता है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो कि मैंने आपको बताया, वेब डॉट एक्सएमएल से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, और साथ ही साथ कोई भी डायनेमिक डेटा आ रही है कहीं से, सेट गेट या रिमूव करने की बात हो रही है वो कर सकता है। इसके अलावा एक इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हमें देता है। ये डेटा सेट गेट रिमूव कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कैसे रीड करेंगे या इंटर एप्लीकेशन कम्युनिकेशन करा के, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और अगर हम मेथड की बात करें तो ये सब मेथड हैं जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड करती हैं, जैसे गेट इंट पैरामीटर, पैरामीटर नेम, सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, ये सब कॉन्टेक्स्ट के मेथड हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट गेट कैसे करें। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट लाइए, वो कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट पे आप कॉन्टेक्स्ट मेथड चलाइए गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, आपको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से जैसे। या आप एक काम और काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जनरिक सर्वलेट क्लास का गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मेथड चला के आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि आप क्या करेंगे, पहले गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट निकालिए और उस पे गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट चला के कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट गेट कर लीजिए, या डायरेक्टली आप गेट कर लीजिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि पहले कॉन्फ़िग से कॉन्टेक्स्ट निकालिए या डायरेक्टली गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट निकालिए। तो ये तो हमारे पास दो अप्रोचेस हो गए कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट को लेने के लिए। अब बाकी मैंने आपको बताया कि इसमें कॉन्टेक्स्ट परम टैग होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सएमएल में मैप कराता है, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट के पैरामीटर का नाम उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। अब ये नेम क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको आगे ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। कि जैसे जैसे सपोज करो कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें टेबल, जैसे डेटाबेस की बात कर ले, डेटाबेस में यूआरएल होता है, डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड होता है, ये सपोज करो कि हमने इसी कंटेक्स्ट में रख दिया, तो इन फ्यूचर अगर सपोज करिए कि इसी कंटेक्स्ट में मैंने रख दिया और हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 50 सर्वलेट हैं, तो 50ों में इन्हें यूज करने के लिए बस गेट करना होगा, और कभी भी प्रोजेक्ट में अगर चेंज करना है तो एक सिंगल लाइन का चेंज करने से सारे चेंजेस हो जाएंगे, आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको इजिली मतलब मेंटेन करा जा सकता है, इसमें ये प्लगेबल होते हैं, इनकी एंट्री कर दी तो चलेंगे, हटा दिया तो नहीं चलेंगे, ऐसे ही कन्फिग होता है। तो कन्फिग के अंदर भी ऐसे ही मेथड होते हैं, लेकिन ये हर सर्वलेट के अलग 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 हैं। तो ये मेथड्स की लिस्ट है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। बाकी इसके ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए गेट सर्वलेट कन्फिग मेथड होता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन को हमारी पर्टिकुलर सर्वलेट में मैप करने के लिए इनिट परम टैग होता है। तो इनिट परम, परम नेम, परम वैल्यू करके आप इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए और फिर इसकी वैल्यू को आप यहाँ से गेट करा सकते हैं। तो ये तो सब इसका थियोरेटिकल चीजें हो गई, और थोड़ा सा मैंने एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसको बना के आपको बताया भी, बट इसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके और सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के यूज करके ऑब्जेक्ट को गेट करके इसकी इन्फॉर्मेशन को कैसे रीड करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइस।